हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी सा इवनिंग स्नैक्स जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप देख सकते हैं लुक बहुत ही ज़बरदस्त आया है और बहुत ही अंदर तक क्रिस्पी बना है ये स्नैक्स। सच मानिए, जब आप इसको बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाकर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इवनिंग हो या चाहे जब भी मन करे कुछ चटपटा सा चाय के साथ खाने का, तो ये स्नैक्स आप बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये। तो गाइस, लुक बहुत अच्छा आया है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए गाइस, हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, हमें लेने होंगे यहाँ पे आलू। ये मैंने पहले से ही उबाल के रखे थे और ये ठंडे हो चुके हैं। तो बस आप या कोई चम्मच या फिर कोई आपके पास कांटे वाला जो स्पून होता है, जैसे मैंने लिया चाउमीन वाला, अगर आप इसके पास ये है तो आप इससे अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से बारीक बारीक फाइन अच्छे से। तो देखिए, बस इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा मैंने फ्रिज में रखा था तो ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही मीडियम से, साथ ही साथ अगर आप आलू को साथ ही उबालना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप आलू को थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है और थोड़ा जैसे लिया है चिल्ली पाउडर। तो साथ में हम डालेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें डाले मैंने थोड़े जैसे गरम मसाला। तो यहाँ पे गाइस, मैंने लिए हैं 2 ब्रेड और ये कुछ मेरे पास बचे हुए थे पहले से ही रेसिपी के कॉर्नर ब्राउन वाले, और वाइट वाला ब्रेड भी मैंने अलग से मिक्सी के जार में पीस के साइड में रख दिया है बारीक, जैसे मैंने ये पीसा है। और बस इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चम्मच से या हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, बट ये कोई बात नहीं, चम्मच से भी बिल्कुल ही आसानी से आप मिक्स हो सकता है। और एक चीज़, इसमें आपको पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और जब ये मिक्स हो जाए हल्का सा, आप इसको थोड़ा जैसा लेके हाथ में टेस्ट कर लेना है कि हमारा जो नमक और मिर्च है वो ठीक है। वैसे तो कम ही रखना चाहिए क्योंकि क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये स्नैक्स, तो बच्चों के लिए कम मिर्च कर सकते हैं। अगर आप बड़े कोई तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए हाफ आप बैटर करके आप उसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया है मिक्स, और इसी में मैं डाल दूँगी थोड़ी जैसी हरी धनिया। तो मेरे पास थोड़ी जैसी हरी धनिया थी तो मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे कि और भी हमारा जो टेस्ट है बहुत ही दुगना हो जाएगा। तो सच मानिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि मैंने वाइट वाले ब्रेड का किया क्या है। तो गाइस, हमने यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, मैं यहाँ पे बॉल्स दूंगी और उसके बाद उसको थोड़ा जैसे एक पेड़े वाला लुक दे दूंगी। तो चलिए, बस फटाफट से हम सारे ही पेड़े बना लेते हैं। आपको थोड़ा जैसा हाथ पे ऑयल ग्रीस कर लेना है, अगर रिफाइंड है या घी है तो आप हल्का सा हाथों पे ग्रीस कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको पहले से बॉल बनाया है, उसके बाद मैंने थोड़ा पेड़े वाला लुक दे दिया है इसको। देखिए, तो हमारा जो ब्राउन वाला तो हमने इसके में अंदर मिक्स कर दिया था, जो हमारा वाइट वाला ब्रेड बचा था तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्सी के जार में इससे पीस लिया था। तो देखिए, अब हम इसी सभी बॉल्स को इसके अंदर कोटिंग कर लेंगे। तो हल्का सा आप हाथ से इसको डैप करना है, अच्छे से इसको रोल करके। तो देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्रेड का जो चूरा है अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो बस धीरे धीरे से हमने सारे बॉल्स को अच्छे से कोट कर लेना है हमारे ब्रेड के चूरे से। तो सच मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चे सभी इसको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, अभी से इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो सच मानिए, जब बनेगा तो और भी बहुत इसका अच्छे से टेस्ट और लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए, फटाफट से मैंने फ्राई पैन में यहाँ पर ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो आप ऑयल कोई सा भी रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में आप कढ़ाई में अंदर जो ऑयल है आपका थोड़ा तेज़ कर लेना है, उसके बाद आप गैस को धीमी करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा कम भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कम कर देंगे तो ऑयल है हमारा इसके अंदर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सभी चीज़ें पकी हुई है। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी हमारा ब्राउन है, वो भी पहले से ही कुक होया हुआ होता है, और हमारा जो ब्रेड, सभी चीज़ें हम ऐसे भी ब्रेड को खा लेते हैं चाय के साथ, तो वो भी पका हुआ है। तो आलू भी हमारे बॉयल हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे हमारी बॉयल हैं। तो थोड़ा सा हम आँच को हल्का सा तेज करके तो फटाफट से इसको दोनों पासे से अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारे सभी बॉल्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो बढ़िया से अभी हम इनको सेकना स्टार्ट कर देते हैं।
थोड़ा सा गैस का जो मैंने फ्लेम है हाई कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर तेल नहीं हमने रसने देना, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स है और बच्चों के लिए है और ज़्यादा ऑयली भी ना लगे, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा गैस का जो फ्लेम होता है हाई करना होता है। तो देखिए ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो बस एक स्पैचुला से और हाथ से आप कोई भी एक अलग से नाइफ़ या चम्मच ले सकते हैं, जिससे कि आसानी से आप इसको अलट पलट कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे से अपने सभी स्नैक्स को अलट पलट कर दीजिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो लुक एट दिस, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। ज़रूर गाइस इसको चाय के साथ कभी भी खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, जब चाहे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। लुक एट दिस, सच में गाइस मुझे तो बहुत प्यारा कलर लग रहा है, दिल कर रहा है कि अभी चाय बना लूँ और मैं इसे खा लूँ। तो गाइस इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मस्त बनती है, ज़बरदस्त बनती है, क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो फटाफट से हमने यहाँ पे कर दी है प्लेटिंग और यहाँ पे हमने सॉस लिया है, आप चिली सॉस भी ले सकते हैं अगर आप मीठी सॉस खाना पसंद करते हैं वो, बट ये हमने मीठी सॉस ली है, और तीखी सॉस भी आप ले सकते हैं। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, और मैंने जब इसको खा के देखा था बहुत ही क्रिस्पी अंदर तक, बिल्कुल ही टेस्ट इसका ज़बरदस्त था। जो हमने ब्रेड का जो अंदर ब्राउन वाला जो चूरमा डाला था ना, बहुत ही ज़बरदस्त, उसका बहुत ही अलग टेस्ट था। तो गाइस अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, रक्षाबंधन की बधाई।